प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। आज हम लोग स्वादिष्ट विरेचन चूर्ण इसके बारे में चर्चा करेंगे। और स्वादिष्ट विरेचन चूर्ण जो है इसके बारे में भारत भैषज रत्नाकर ये ग्रंथ में बहुत अच्छे से बताया है। तो आप लोगों को मैं इसी के बारे में बताना चाहता हूँ। स्वादिष्ट विरेचन चूर्ण आप लोगों ने शायद सुना भी होगा। यह बहुत ही अच्छा विरेचन करने वाला है, सुख सुखपूर्वक विरेचन करने वाली द्रव्य है। तो मैं इसका पीडीएफ भी आप लोगों को दूंगा। तो इसमें हमें क्या करना है कि सोनामुखी का पत्ते जो रहते हैं, जिसको स्वर्णमुखी ऐसा बोलते हैं, उसके पत्ते लेना है, उसका चूर्ण लेना है 2 भाग। यष्टि मधु का चूर्ण जो है वह 1 भाग लेना है। मिश्री जो होता है जिसको मराठी में खड़ी साखर बोलते हैं वह लेना है 2 भाग। और शुद्ध गंधक आधा भाग लेना है। यह जो मैं बता रहा हूँ ये भारत भैषज रत्नाकर इस पुस्तक से लिया गया है। और आप लोगों को यह सारा चीज जो है इजीली अवेलेबल है, कोई भी दुकान पे आराम से मिल जाएगा। तो सबसे पहले सोनामुखी के पत्ते 2 भाग, यष्टि मधु चूर्ण 1 भाग, मिश्री को 2 भाग और शुद्ध गंधक आधा भाग। सबसे पहले क्या करना है कि स्वर्णमुखी, यष्टि मधु और सौंफ, सौंफ भी है इसमें, सभी को अच्छे से एकत्र करके घोट देना है। उसके बाद में मिश्री और गंधक है वह अलग अलग इनको घोटना है। उसके बाद में जब मिश्रण हो जाएगा ना तो फिर मतलब मैंने पहले क्या बोला, स्वर्णमुखी, यष्टि मधु, सौंफ, ये जो हर्बल द्रव्य है इसको एक साथ करना है। और जो मिश्री और गंधक है उसको एक जगह अलग जगह करके और फिर एकत्र कर देना है। सबसे पहले ये ध्यान रखना चाहिए कि सोनामुखी के जो पत्ते हैं वह बहुत ही अच्छे क्वालिटी के होने चाहिए। यष्टि मधु बहुत अच्छा क्वालिटी का होना चाहिए। सौंफ भी अच्छा क्वालिटी का होना चाहिए। कश्मीरी सौंफ जो रहता है वो बहुत ही अच्छा माना जाता है। और दूसरा क्या है कि जो मिश्री अगर नहीं मिले तो नॉर्मल जो चीनी होता है उसका भी प्रयोग किया तो भी चलता है। अब स्वादिष्ट विरेचन चूर्ण है ना, इसमें मुख्य प्रमुख घटक द्रव्य क्या है, तो सोनामुखी जो विरेचन करता है। तो ये वायु का अनुलोमन करता है, पित्त और कफ का नाश करता है। और यह रस धातु, रस रक्त मांस में अस्थि इस पे तो काम करता ही है, लेकिन रस धातु और शुक्र धातु पे विशेष रूप से यह कार्य करता है। और यकृत, और यकृत का जो मल है पित्त उस पे अच्छा काम करता है। मूत्र का जो मल है, मूत्र मतलब यूरिन जो है उस पे भी बहुत अच्छा काम करता है। दूसरा अगर एनाटॉमिकली देखें तो यकृत पे, लीवर पे, प्लीहा पे, पक्वाशय पे और गुद पे यह बहुत ही अच्छा काम करता है। मतलब यकृत का शुद्धि करता है, प्लीहा की शुद्धि करता है, पक्वाशय की शुद्धि करता है, गुदा यह भाग का शुद्धि करता है। और स्त्रोत देखें तो रस्व स्त्रोत पे इसका बहुत अच्छा काम होता है, स्वादिष्ट विरेचन चूर्ण का। पुरीषव स्त्रोत पे अच्छा काम होता है, मूत्रव स्त्रोत पे अच्छा काम होता है, शुक्रव स्त्रोत पे विशेष रूप से कार्य होता है। और यह सामावस्था, निरामावस्था दोनों अवस्था में यह विरेचन का कार्य करता है। और सुख विरेचन है, पाउडर के रूप में हम लोग इसको ले लेते हैं। और इसका प्रमुख कार्य क्या है कि यह अग्नि को बढ़ाता है। और यह सौम्य रेचन है, इससे मतलब ज्यादा लूज मोशन नहीं होता है। और सौम्य रूप से रेचन होके मतलब रात को 1 चम्मच ले लिया, 2 चम्मच ले लिया, या मतलब 2 से 3 ग्राम ले लिया ना तो अच्छे से पेट साफ हो जाता है। और यह मल का भेदन भी करता है, जिसको गांठ गांठ है बहुत मल का उसको भी यह मल का भेदन करके पेट साफ कर देता है। और यह पृथ्वी और आप तत्व का कर्षण करके, अग्नि तत्व का वर्धन करके, वायु और आकाश तत्व का क्षरण करता है। मतलब एक तरह से देखा जाए तो यह पृथ्वी और आपका पूरा जितना जल्यांश है, पार्थिवता है, जो सामता है उसको ये पचा देता है, अग्नि को बढ़ा देता है, और वायु और आकाश को ये बैलेंस कर देता है, स्रोतों को खोल देता है। दूसरा क्या है कि ग्रंथों में ऐसा बोला है कि कॉन्स्टिपेशन जब होता है, बहुत सारे हमारे पास पेशेंट आते हैं, और आजकल तो ये सेडेंटरी लाइफस्टाइल में है ही, आईटी सेक्टर में देखें या कोई भी, या फिर जो डिफेंस में है तो वहां पे वेगावरोध का हिस्ट्री रहता है, या फिर जो लोग मतलब बैठे रहने का काम करते हैं, कोई काम कर रहे हैं तो मल वेगावरोध होता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि कॉन्स्टिपेशन की वजह से बहुत सारे डिस्कम्फर्ट होता है, हार्ट का प्रॉब्लम होता है, बीपी बढ़ता है। तो ये सुख विरेचन का रूप में इसका प्रयोग किया जा सकता है। और अनुभाविक विचार ऐसा है कि यह अगर बहुत ज्यादा सीवियर कॉन्स्टिपेशन है, मलबद्धता है उसमें काम करता है। अगर मल के पत्थर जैसे पूरा जमा हो गया उसमें अच्छा काम करता है। पेट में बहुत पानी, सॉरी उदरगत वात है, मतलब हवा भरा हुआ है, उदरगत वात, पेट फूल जाता है, खाना खाते ही पेट फूल जाता है, उसमें काम करता है। विविध स्किन डिसऑर्डर्स में, त्वचा विकारों में बहुत अच्छा काम करता है। और ये जो कामला व्याधि है, जॉन्डिस, जॉन्डिस में भी ये बहुत बढ़िया काम करता है। क्योंकि जो सोनामुखी है ना ये विरेचन करता है, तो वहां पे हमें
कामले ही तो विरेचन ही ऐसे बोला है, वहां पे विरेचन की जरूरत होती है। इसी तरह से जलोदर में भी इसका बहुत अच्छा प्रयोग होता है। उसी तरह से यह 2 से 3 ग्राम के मात्रा में दिया जाता है और गर्म पानी के साथ इसका अनुपान के रूप में दिया जाता है। और इसको देना है तो रात को दे, सोने के पहले खाना वाना खा के रात को दे दें, या सुबह दे दें। अभी क्या है कि त्रिवितली हम देते हैं तो वो बहुत ज्यादा मतलब थोड़ा स्ट्रांग भी पड़ जाता है किसी किसी को, या फिर हम लोग एरंड तेल देते हैं तो पेट में मरोड़ आता है, इच्छा विधि देते हैं तो पेट में तकलीफ होती है। लेकिन ये सुख विरेचन चूर्ण है ना, पेशेंट सुबह उठते उठते अपने आप आराम से जाता है, पेशेंट को एकदम पेट हल्का हो जाता है। सुख विरेचन के रूप में इसका प्रयोग करते हैं और यह स्वादिष्ट विरेचन चूर्ण है क्योंकि इसमें सौंफ डाला हुआ है, यष्टि मधु डाला हुआ है, मिश्री डाला हुआ है, सोनामुखी डाला हुआ है, तो एक सुगंधित भी है और खाने में भी मीठा लगता है, बहुत ही अच्छा रहता है। दूसरा क्या है कि यह किसको नहीं देना चाहिए, कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है कि जो लोग की प्रकृति बहुत नाजुक है, या मतलब जो लोग विरेचन नहीं सह सकते, या जिनको लूज मोशन पसंद नहीं है, मतलब कुछ कुछ लोग रहते हैं ना जिनको नहीं लूज मोशन वाला ट्रीटमेंट नहीं चाहिए, उनको बिल्कुल भी नहीं देना है। दूसरा क्या करना है कि जो लोग क्षीण प्रकृति के हैं, मतलब जो लोग बहुत कमजोर हो गए हैं, व्याधिग्रस्त हो गए हैं, उनको बिल्कुल भी यह नहीं देना है, या खाना नहीं खा रहे हैं, माल नरिश्ड है, उनको बिल्कुल भी यह नहीं देना है। इसी तरह से क्या है कि एक इसका सबसे बड़ा एडिक्शन भी लग जाता है क्योंकि इसमें सोनामुखी है ना, तो इसका एडिक्शन लग गया ना तो ये पेशेंट लॉन्ग टर्म में ही लेता है। और ज्यादा विरेचन जबरदस्ती करें, वेगान न धारित न उदीरित, जबरदस्ती हम विरेचन, एक वेगो का जबरदस्ती उद्दीरण कराया जाएगा, रुक्षता बढ़ेगी और फिर उसकी वजह से इंटेस्टाइनल वॉल्स जो है वो ड्राई हो जाते हैं। तो इसीलिए इसको कभी भी हमें ज्यादा दिन तक नहीं देना है। पेशेंट को मॉर्निंग वॉक कराना है और घी खिलाना है, तक्र देना है, इसको कुछ टाइम के लिए ही देना है, कंटिन्यूटी में इसको बिल्कुल भी नहीं देना है, नहीं तो गुदमार्क जो है वह उसका हानि हो जाता है, उसमें छिल जाता है पूरा, और वहां पे टोन जो रहता है, सिग्मॉइड कोलोन रेक्टम, वहां पे बहुत ज्यादा हानि हो जाती है, रुक्षता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो फिर हमें विरेचन देना पड़ता है, या बहुत ही उसमें स्ट्रांग विरेचन देना पड़ता है, बस्ती देना पड़ता है, तो ये आदत ना लगे, स्वादिष्ट विरेचन चूंगा इसका ध्यान में रखें। और दूसरा क्या है कि जो लोग बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, जो बलवान लोग हैं, उनको कभी कभी कॉन्स्टिपेशन रहा, ओवर ईटिंग हो गया, पेट साफ नहीं हो रहा है, तो कभी कभी दे दिया तो ये ठीक है। उसी तरह से इसको स्वादिष्ट विरेचन चूर्ण को 3 महीने तक इसका पोटेंसी जो रहता है वो अच्छा रहता है, अगर एयर टाइट करके रखे कंटेनर में तो ये बहुत ज्यादा दिन तक चल सकता है, लेकिन 3 महीने तक इसकी सर्वीरता वधि ऐसा बताया जाता है, तो उसमें बहुत अच्छा काम होता है। अभी आप लोगों का कोई अनुभव है, अर्चना मैम आपने दिया है स्वादिष्ट विरेचन चूर्ण? अगर दिया है तो कृपया मैम बताइए अपना अनुभव, स्वादिष्ट विरेचन चूर्ण किसने दिया है अपने प्रैक्टिस में? सर मैंने सोनामक्खी और बालूहीटा का कॉम्बिनेशन दिया है सर, 50-50 ग्राम का मिक्स करके। अच्छा तो क्या रिजल्ट क्या आया? रिजल्ट आता है सर, अच्छा रिजल्ट आता है। अच्छा गंधर्वाही तक इसे थोड़ा ज्यादा मतलब रिजल्ट अच्छा मिलता है, ज्यादा लूज मोशन होते थोड़ा सा, आप पेट खुल क्योंकि के ये साफ। कृमिघ्न एज अ कृमिघ्न कासग्न और वामक और विरेचक, इसमें सोनामुखी अच्छा है सर। जी यस ठीक सर, है। और आपने कितने कौन से पेशेंट को दिया था, उनको क्या तकलीफ था? सर मैंने कृमि के पेशेंट में भी दिया था और कॉन्स्टिपेशन है बहुत ज्यादा, क्रूर कोष्ठ है उनमें भी दिया था सर बहुत बार, हाँ तो अच्छा रिजल्ट है सर। क्योंकि गंधर्वाही तक किसी भी ना किसी किसी को लूज मोशन होते ही नहीं है, तो सोनामुखी और बालहीटा से मुझे अच्छे रिजल्ट मिले उन पेशेंट में। हाँ हाँ यस सर, ठीक है। और थैंक यू किसी का कोई अनुभव है? थैंक यू मैम। और किसी का कोई अनुभव है, स्वादिष्ट विरेचन चूर्ण का प्रयोग किया है आप लोगों ने? शशि मैम, मोनिका मैम, प्रशांत भट्ट जी, आरती मैम, किसी ने किया है? सर। सर प्रणाम। हाँ प्रणाम सर, बताइए। हाँ सर, मैंने बहुत किया है, मेरे यहाँ पे ये डेली यूज होता है। क्योंकि सर कोई भी मतलब जैसे पेशेंट आते हैं, स्किन के पेशेंट आते हैं, तो उनको जो भी दवाई दी जाती है तो उसके साथ में मैं ये जरूर देता हूँ स्वादिष्ट विरेचन चूर्ण। तो आधा चम्मच से 1 चम्मच रात के रात देने से सुखपूर्वक विरेचन होता है और ये खाने में भी काफी टेस्टी है। तो जैसे बच्चों के लिए भी ये अच्छा है, बाकी चूर्ण तो बच्चे नहीं खा पाते, तो ये चूर्ण करीबन 1 ग्राम की मात्रा में मैं देता हूँ। और इसको हम मतलब मैंने करीबन मतलब 40 दिन 50 दिन लगातार मैंने इसको दिया, फिर उसको बीच में मतलब उसको गैप देके फिर दोबारा दिया। और इस चीज जब भी ये चूर्ण देता हूँ उस समय मतलब उसमें बीच बीच में घृतपान जरूर कराता हूँ मैं, जिससे मतलब रुक्षता ना आए पेशेंट के लिए। और बहुत बढ़िया चूर्ण है ये, सबको यूज करना चाहिए इसके लिए। जी सर।
जी सर, थैंक यू सर। और किसी का कोई अनुभव है स्वादिष्ट बेसन चूर्ण का? हाँ सर, किसी को आवाज आ रही है? किसी का कोई अनुभव है तो बताइए। आशा मैम, आशा टंडेल मैम, मंदाकिनी मैम, आप लोगों ने यूज किया है? टिंकल यादव जी, जी नमस्ते, प्रणाम सभी को। सर स्वादिष्ट विरेचन बहुत ही रियल में बहुत ही बढ़िया और एकदम निर्दोष जिसको कह सकते हैं वैसा औषधि है। क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन के लिए तो वरदान के स्वरूप में है। मेरे पास एक पेशेंट आई थी जो लॉकडाउन के दौरान ना उन्होंने सब मतलब कॉन्स्टिपेशन को काफी रहता था, तो कायम चूर्ण ना ये ना वो ना जो भी मतलब यूट्यूब पे जो नुस्खे आते थे वो यूज कर करके अपने इंटेस्टाइन को मिनिमल रुक्षता एकदम बढ़ गई थी। तो फिर मैंने उनको पहले एक बार विरेचन कराया स्नेहपान पूर्वक, और उसके बाद लगातार उनको 30 दिन के लिए स्वादिष्ट विरेचन पे रखा था। तो उसके बाद उनको कभी भी मतलब कॉन्स्टिपेशन का इश्यू रहा ही नहीं। बोले कि मैडम इतना तो मेरे को 2 साल में भी कभी मतलब आराम नहीं मिला। जैसे वो 3 3 दिन तक नहीं जाती थी, तो वो लेकिन नहीं कंटिन्यू, उन्होंने मेरा 1.5 महीना तक ट्रीटमेंट लिया था, लेकिन उसके बाद काफी उनको बढ़िया रिजल्ट मिला। जी जी थैंक यू मैम, थैंक यू। और किसी हाँ सर, मैंने भी जी सर मैंने भी यूज किया है। मैं भी त्वचा विकार में सद्य विरेचन के रूप में भी यूज कर लेती हूँ इसको, और इसमें कॉन्स्टिपेशन जो मतलब मेरा तो मध्यम कोष्ठ के जो कॉन्स्टिपेशन होते हैं उसमें, और ये रक्त पित्त में भी मैंने सर इसको यूज किया है, और ये पाइल्स में यूज किया है, अग्नि मानदे में भी इसको मैंने यूज किया है। और ऐसे मतलब जैसे कि रेगुलर अगर किसी को दवा देनी होती है मेरे को मतलब रोज खाने के लिए नित्य विरेचन के रूप में, तो स्वादिष्ट विरेचन में दे देती हूँ। अच्छा, इसका अच्छा इफेक्ट है। और दूसरी बात यह है कि जैसे कि त्रिफला वगैरह देते हैं ना, तो पेशेंट थोड़ा सा कंप्लेन करता है कि कषाय रस आ रहा है या फिर मुँह से निगल जा रहा है या दूध में डाल करके पी रहा है या कुछ अलग अलग कंप्लेन करते हैं, तो इससे सर वो कंप्लेन नहीं मिलती है। इतना इसका अच्छा रिजल्ट है। थैंक यू। और किसी का प्रणाम सर। जी बताइए। प्रणाम सर। हाँ हाँ सर, मैं भी इसको यूज करता हूँ, लेकिन सर मैंने ये देखा है कि चूर्ण यूज करने पे रुच्छता बॉडी पे कभी कभी ज्यादा आ जाती है। अच्छा, तो मैं तो अक्सर जो है सर पेशेंट को विरेचन के साथ साथ सुबह गृहपान भी लगातार देता हूँ। अच्छा, हाँ, तो क्योंकि मैंने कई पेशेंट देखे हैं जिनको ये रहता है कि हमने चूर्ण दिया और वो जो है पूरी बॉडी जो है उनकी रुच सी महसूस होती है। हाँ, प्रकार हो या ये सोनामुखी जिनमें रहता है वहाँ आंतों में रुचता महसूस होती है। एक दो दिन लगातार विरेचन करने के बाद में फिर उनको विरेचन कम हो जाता है। अच्छा, ये चूर्ण एडिक्ट होने लगता है उनको। तो अगर हम लोग मातिकता ग्रह है, इंदुकांतम ग्रह है, जो भी अपना जैसे भी चलाना चाहें, वो सुबह जो आप बताते हैं वैसे मैंने आपके यहाँ से ही शुरू किया था इसको, तो काफी फिर दिक्कत नहीं रहती, ग्रहणी चिकनी होने लगती है उनकी। अच्छा, तो पेशेंट को रिलैक्स महसूस होता है उसके बाद, वो कॉन्फिडेंस भी आता है उसका, जो कॉन्फिडेंस लैक हो रहा होता है वो फिर आने लगता है उनको। ये सर बिल्कुल सही बताया आपने, क्योंकि वो तीव्र विरेचक गण में माना गया है ना सोनामुखी को, तो उसकी वजह से वो अंतर में रुक्षता लाती है। वो वायु को तो खींच के निकाल लेती है मल के साथ, मल को वायु के साथ खींच के निकाल लेती है, लेकिन वहां पे जो वैक्यूम क्रिएट होता है ना उसकी वजह से रुक्षता आती है, जिसके लिए हमेशा स्नेहपान पूर्वक ही इसका उपयोग करना चाहिए। दूसरा एक ये भी मैंने देखा है मैम के इसको लेने के बाद में पेट में कुछ मतलब जब भी उसको पोटी आती है तो कुछ मरोड़ आती है। हाँ, मरोड़ आती है 5-10 मिनट पहले, उसको कुछ एठंजी होती है उसमें। Exactly. तो ये उसी का प्रभाव है सर, क्योंकि ये तीव्र विरेचक है ना सोनामुखी इसके लिए। जी प्रणाम सर। टिंकल यादव सर, प्रणाम सर। सर आप घृतपान इसके साथ कितना देते हैं और कितने दिन बाद देते हैं? मतलब 3 दिन बाद घृतपान देते हैं या डेली देते हैं? दरअसल में सर ये घृतपान यूज करने का जो तरीका है वो पेशेंट आपको खुद ही बताएगा, वो आपको डायग्नोस करना है पेशेंट को कि घृतपान कैसे कराना है। दरअसल में हम लोग क्या करते हैं, जब भी पेशेंट आपके पास आएगा तो वो ये बोलेगा कि मेरे अंदर, मैं सब सुबह जाता हूँ तो मुझे कोई ना कोई स्टिमुलेशन लेना पड़ता है पॉटी के लिए जी। तो आप उस टाइम पे देख लीजिए कि अगर वो स्टिमुलेशन की डिमांड कर रहा है आपसे, कह रहा है कि हमें कोई चाय है जैसे, या कुछ लोग तंबाकू चीवर हैं तो वो अपना तंबाकू की डिमांड करेंगे जी।
कुछ स्मोकर हैं वो स्मोकिंग की डिमांड करते हैं, इस तरह के पेशेंट ज्यादा आते हैं जो कॉन्स्टिपेशन लेके आते हैं। तो वहां पे हमें ये करना है कि सबसे पहले उनको ग्रहणी की चिकित्सा कर रहे हैं तो पहले ही रात को प्लानिंग कर लेनी है कि इनका स्टिमुलेशन कैसे छुड़वाएं। तो रात को हम लोग विरेचन देंगे, सुबह जो वो स्टिमुलेशन ले रहा है उसके लिए हम लोग उसको जो है ग्रहपान देते हैं। जैसे हमने मान लो 30 ml उसको घी दे दिया खाने के लिए, 30 ग्राम, उसमें आप कोई चूर्ण मिला लें जैसे दाढ़ीमाष्टक है या आपका पंचकूल है, जैसे भी आप अपना डिसाइड करना चाहें, जो भी पेशेंट है उसकी प्रकृति के हिसाब से उसकी डिसीज के हिसाब से ये भी डिसाइड कर सकते हैं। इंदुकांतम ग्रत है, मातिक्तक ग्रत है, गुगल तिक्तक में सुकुमार है, जो भी आपका ग्रत रहे आप अपना उस हिसाब से अपना डिसाइड करिए, क्योंकि मोस्टली अगर कॉन्स्टिपेशन है तो पेशेंट ग्रहणी का तो है ही, आपको चिकित्सा ग्रहणी की मान के करनी पड़ेगी उसकी। इस तरह से आप डेली उसको आपने जनरली ऐसे 30 दिन आपने दिया तो आप डेली उसे घृतपान कराएंगे या है कुछ एक दिन का गैप, एक दिन गैप पर क्या आप घृतपान कराएंगे? डेली कराइए, अगर ग्रहणी का पेशेंट है तो आप डेली जब घृतपान कराते रहेंगे 1 साल तक उसको लगातार खिलाएंगे, ग्रहणी उसकी तभी ठीक होगी, तभी उसका कॉन्फिडेंस बचेगा, वरना बचेगा ही नहीं। थैंक यू सर। अब वो आपको ये देखना पड़ेगा, जैसे मान लीजिए आपका पित्त ग्रहणी का है, चारों तरफ पित्त है, उपद्रव हो रहे हैं पित्त के, उस टाइम पे आप जैसे महातिक्त ग्रतम है ये यूज कर सकते हैं आप, तिक्त ग्रत है इस तरह का आप घर पे बना लें या कंपनी मेड ले लें, उसमें कोई चूरन भी मिला सकते हैं जैसे दाढ़ीमाष्टक है या कुछ भी है, हिंगुआष्टक है, जैसा भी आपको ठीक लगे, बस पित्त का विचार करते रहें। कफ वाला है तो कफ का देख लें अपना, आम 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 की अवस्था है, ग्रहणी में आम तो रहती है, अगर पित्त नहीं है तो इंदुकांतम यूज कर सकते हैं, अगर ज्यादा ही आपको पंचकूल वगैरह देना है तो भातिक तक के हिसाब से और कोई सुकुमार वगैरह उसके साथ भी दे सकते हैं, दो दो चूरन भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन वो ग्रहणी को अगर ट्रीट करना है तो लंबा चलना तो इसके साथ में पड़ेगा, ठीक तभी होगा वो। सर आपने मैक्सिमम कितने दिन तक एक बार कंटिन्यू करा है किसी पेशेंट में, ग्रहणी के पेशेंट में मैक्सिमम कितने दिन तक दिया है? दरअसल मैं तो मेरी पूरी कोशिश तो ये रहती है बहुत लंबा चले, लेकिन दरअसल में पेशेंट जो है वो मैक्सिमम 2-3 महीने के बाद में गायब हो जाता है। ओके थैंक यू सर। पेशेंट गायब होता है, हम लोगों की प्रॉब्लम नहीं होती है, वो पेशेंट ही भाग जाता है, जब वो पूरा उसको लगता है ठीक हो रहा है, फिर वो जब दोबारा कभी होगा, जब तक चल रहा है तब तक चल रहा है, तब लौट के आएगा, आएगा अभी नहीं आएगा उसका कोई डाटा नहीं है, लेकिन हमारे रिकॉर्ड के हिसाब से वो पूरा इम्प्रूव हो चुका है, आगे उसका ये है जहां तक हमने ट्रीट किया वो हमारा इम्प्रूवमेंट था, आगे वो जाने क्या कर सकते हैं। जी 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 थैंक यू सर, प्रणाम सर। ठीक है, और किसी को कुछ बताना है तो बता सकते हैं, कोई कुछ बोलना चाहते हैं, किसी का कोई एक्सपीरियंस? आरती मैम आपने यूज किया है, नलिनी मैम, मनीषा मैम किसी ने यूज किया है तो बताइए। नलिनी मैम कुछ बोलना चाहती हैं? नहीं सर मैंने नहीं यूज किया हूँ, मैं हरी यूज करती हूँ। मैं आप लोगों को ये पीडीएफ दे दूंगा, आप लोग इसका प्रयोग अभी यूज करूंगी सर। हाँ सर, हम इसमें कैस्टर ऑयल ऐड कर सकते हैं सर, फिर मरोड़ भी कम हो जाएगा। और कैस्टर ऑयल से मरोड़ कम नहीं होगा, शुंठी और कैस्टर ऑयल तब देंगे तब मरोड़ कम। अच्छा, और मरोड़ लाता है कैस्टर। ओके सर, कर सकते हैं सर ऐड हम ये भी? कर सकते हैं, कर सकते हैं। ओके सर, थैंक यू सर। लेकिन वो फिर उसका स्मेल आएगा कैस्टर ऑयल, और ये स्वादिष्ट विरेचन है ना, खाने में बहुत टेस्टी रहता है। अच्छा, खड़ी साकर है ना सर, उसमें सौंफ भी है, साकर है, सौंफ है, सुगंधित रहता है। यस सर, ये जो हम लोग कैस्टर ऑयल देते हैं ये मतलब जो ऐसी दुकान पे मिल जाती है वो, या फिर कोई संस्कृत होती है कैस्टर ऑयल? वर्जिन कैस्टर ऑयल जो बोलते हैं वो एकदम अच्छा से निकाला हुआ, आप मतलब कैसा भी देंगे तो फिर वो पेट में मरोड़ आता है ज्यादा। अभी आपके उधर कैसा मिलता है मुझे मालूम नहीं, हमारे यहाँ तो अच्छा क्वालिटी का हम दुकान से लेके आते हैं सर। हम शुंठी सिद्ध मिलता है सर, कैस्टर ऑयल शुंठी सिद्ध। वो कौन सी कंपनी का मिलता है? अभिनव का मिलता है यहाँ पे। वो कितने का पड़ता है? अभी तो रेट तो कम ज्यादा होते रहते हैं। घानी में भी मिलता है ना, तेल घानी 100 के एवा भी मिलता है।
अच्छा वाला क्वालिटी का जो होता है फिर वो, लेकिन सिद्ध वगैरह तो नहीं मिलता है। मैम कौन सी कंपनी आपने बताई? तेल गाने का भी यूज कर सकते हैं मैम, एवियन का। अभिनव कंपनी बताइए। अच्छा एक ना कोटेक्कल का भी शायद आता है कि जाने किसका आता है, वो भी ये कुछ द्रव्य मिला के ही वो लोग देते हैं, पर वो मेरे को जल्दी मिल नहीं पाता है। कैप्सूल बना के दे रहे हैं, कैप्सूल बना के भी देने लगे हैं कैस्टर का। मैम उसका नाम गंधर्व शादी एरंडम ऑयल। अच्छा 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 वो है, उसके कैप्सूल भी देते हैं और वो उसको लिक्विड फॉर्म में। अच्छा धन्यवाद, ठीक है अभी मैं सेशन बंद करता हूँ। 8:15 पे हम लोग मिलेंगे और फिर हम लोग क्लिनिकल समाशा करेंगे, और मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि मॉर्निंग के सेशन शुरू कर दें, तो देखते हैं क्या होता है। ठीक है तो सर, मैं अभी बिल्कुल स्टार्ट करवाइए। हाँ ठीक है, थैंक यू। थैंक यू, गुड नाइट।